रायबरेली में पेट्रोल डीजल व घरेलू गैस के बढ़ते हुए दाम को लेकर कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एक बार फिर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए कांग्रेसी। रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वहीं अब कांग्रेसियों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, वो भी पेट्रोल डीजल व घरेलू गैस को लेकर। घरेलू गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के विरोध में कांग्रेसियों ने निकाला जुलूस। शहर के डिग्री कॉलेज चौराहे से कलेक्ट्रेट परिसर तक निकाला गया कांग्रेसियों के द्वारा जुलूस। जमकर लगाए गए नारे, सरकार के विरोध में लगे हैं नारे। लगातार बढ़ रहे दामों व महंगाई को लेकर कांग्रेसी नेता उतरे जमीन पर। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने निकाला जुलूस। देखिए, महंगाई जो चल रही है इस समय पूरे देश में, उसके वजह से हमारी जो सांसद हैं श्रीमती सोनिया जी, उनके आह्वान पर हम लोग महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किए हैं। इसके पहले भी हम लोग दो दिन पहले अभी तहसील स्तर पर प्रदर्शन किए, आज हम लोग जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी रसोई गैस या डीजल या पेट्रोल, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं जो आवश्यक हैं, उनमें जिस तरह कमर तोड़ बेतहाशा महंगाई चल रही है, उसकी वजह से घरेलू जितनी उपयोग की चीज़ें हैं सभी बहुत महंगी हो गई हैं, बिल्डिंग मटेरियल बहुत महंगे हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जीना दुभर हो गया है। इस वजह से हम लोग भारत महंगाई मुक्त भारत चाहते हैं कि भाजपा सरकार महंगाई मुक्त भारत करे, कम से कम चीज़ों की कीमतें उस स्तर पर आए जिसमें कि लोग उसको वहन कर सके, उसका उपयोग कर सके। रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सटीक।